दोस्तों, आज जो कॉमिक संपन्न है उसका नाम है कुरकवान रोड शाही महल का सिलेंडर पार्ट टू। यहाँ तक स्टोरी हम इसके पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, कुरकवान का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। और दूसरे दिन 16 कबीले पर अचानक राज सैनिक के वेश में नकाबपोश के आदमियों ने आक्रमण कर दिया। हा, बचाओ आई, हा। कल तुम्हारे सरदार ने राजकुमार को मरवाने की चेष्टा की थी। यह सब राजा सोहन सिंह की तरफ से उसी का प्रतिशोध है। हाय उफ। फिर उन्हीं सैनिकों के वेश में नकाबपोश के आदमियों ने कबीले की कुछ की कुछ औरतों को उठाया और जिधर से आए थे उधर चल पड़े। माँ, हा, यह सब राजा सोहन सिंह की आज्ञा से हो रहा है। हाय मेरी बेटी को बचाओ। और जब यह बात कबीले के सरदार को पता लगी तो वह चीख पड़ा, राजा सोहन सिंह, अगर यह कुकर्म तुम्हारे आदेश पर हुआ है तो कसम है हमें कबीले के देवता की, हम राजमहल की ईट से ईट बजा देंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कभी हमारे परम मित्र थे। लुम्बा, हम अभी राजमहल जाएंगे और हमारे चलने की तैयारी की जाए। जो हुक्म सरदार, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे सरदार। हाँ, जो भी हमारे साथ चलना चाहे चल सकता है। फिर सरदार के साथ कबीले के बहुत से लड़ाके युवक भी राजमहल की ओर चल पड़े। इधर राजा सोहन सिंह भी कबीले की ओर चल पड़े थे। मुझे विश्वास तो नहीं होता कि राजकुमार की हत्या के प्रयास में सरदार सुम्बा का कोई हाथ होगा, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो हम भूल जाएंगे कि वह कभी हमारा मित्र था। फिर जब रास्ते में 16 कबीले के सरदार और राजा का आमना सामना हुआ। स्वागतम मित्र, 16 कबीले का सरदार अपने घर आ रहे मेहमान का स्वागत करता है। लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे सरदार सुम्बा? अपने मित्र यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास जा रहा था यह पूछने के लिए कि क्या निर्दोष कबीले वालों पर जुल्म तुम्हारे आदेश पर हुआ था। यदि हाँ तो मैं यह भी जानना चाहूंगा कि तुमने यह जुल्म मेरे कबीले वालों पर क्यों ढाया। आखिर मेरे कबीले वालों की निर्दोष बहु बेटियों ने तुम्हारा और तुम्हारे सैनिकों का क्या बिगाड़ा था? मेरे आदेश पर कबीले वालों पर जुल्म? क्या बकते हो सरदार सुम्बा, तुम साथ झूठी कहानी गढ़कर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो। निर्दोष मैं भला किसका दोषी हूं? क्या किया मैंने? तुम दोषी हो, इस तीर को पहचानते हो? इस तीर से कल राजकुमार की हत्या का प्रयास किया गया था। है हमारा विशेष तीर, यह राजा के पास कैसे पहुंचा? किस सोच में डूब गए सरदार? यह सच है राजा सोहन सिंह कि यह मेरा विशेष तीर है, इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। किंतु यह भी सच है कि मैंने राजकुमार पर कोई आक्रमण न तो स्वयं किया है न ही किसी से करवाया है। मैं तो राजकुमार को अपने खुद पुत्रवत स्नेह करता हूं। लेकिन राजा सोहन सिंह, तुमने बिना सच झूठ जाने मेरे कबीले पर जो अत्याचार करवाया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। कबीले के नियमानुसार तुम्हें तुम्हारे कुकर्म की सजा मौत ही मिलेगी। खामोश दुष्ट, अपने दोस्त को छुपाने के लिए मुझे दोष दे रहा है? हम तुम्हारा सिर कलम कर देंगे। उफ, यहां तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। राजा सोहन सिंह, यह तो अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका सिर कलम करेगा। साथियों टूट पड़ो इन पर, कोई भी इनमें से बचकर नहीं जाने पाए। अपने सरदार के आदेश पर कबीले वाले भयानक अंदाज में राजा और उसके सैनिकों की तरफ लपके। फिर राजा के आदेश पर सैनिक भी मैदान में उतर आए। सैनिकों, समाप्त कर दो इन दुष्टों को। लेकिन तभी ठहरो, सरदार सुम्बा और महाराज से मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। मुझे लगता है मैं आपस में लड़वाने के लिए किसी अनजाने दुश्मन द्वारा रचा गया यह एक भयानक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? हमें आपस में लड़वाकर कोई अपना कौन सा मकसद हल कर सकता है? महाराज, यह तो मुझे भी अभी 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 नहीं मालूम, लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह आपके नाम पर कबीले वालों पर अत्याचार हुआ है, ठीक उसी तरह किसी दुश्मन ने कबीले के सरदार का विशेष तीर राजकुमार पर प्रयोग कर आप दोनों को लड़वाने का प्रयत्न किया है। लेकिन कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? और उसने राजकुमार की जान लेने की कोशिश क्यों की? आप लोगों का दुश्मन कौन है और उसका मकसद क्या है, यह मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। यह जासूस का बच्चा तो बड़ा इकाइया है, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। ईश्वर करे हमारा दोषी कोई और ही हो, वरना सोहन सिंह, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह के कई प्रश्न अपने मन में लिए राजा राजमहल की ओर और सरदार कबीले की ओर वापस चले गए।
उसी रात गुफा में। हा हा हा, लुम्बा बेशक उस जासूस छोकरे ने हमारी योजना को आंशिक रूप से असफल कर दिया है, किंतु फिर भी हम उन दोनों दोस्तों के दिलों में संदेह का बीज बोने में सफल हो चुके हैं, और उसी संदेह का बीज आज ही रात पेड़ बनकर तब तैयार होगा जब तुम इस खंजर से अपने कबीले के सरदार का कत्ल कर दोगे और राजकुमार मोहन की इस विशेष मोतियों की माला को। फिर नगापोस लुम्बा और उसके साथियों को अपनी योजना समझाने लगा। नगापोस की पूरी योजना सुनकर कबीले के मंत्री लुम्बा की आंखें भयानक रूप से चमकने लगी। वाह हुजूर, क्या शानदार योजना है आपकी। अब कल से 16 कबीले का सरदार मैं होऊंगा और फिर जल्दी टीकमगढ़ के राजा आप होंगे। तो ठीक है, अब तुम इसी समय यहाँ से जाकर मेरी योजना को कार्य रूप दे डालो। फिर वापस कबीले पहुंचकर लुम्बा ने मौका पाते खंजर से सरदार की हत्या कर दी। खच आ, और साथ ही राजकुमार मोहन की विशेष मोतियों की माला को फर्श पर फेंक दिया। यह रही राजकुमार तुम्हारी माला। उसके बाद क्या हुआ? खून खून, किसका खून? भीतर चलकर देखो। ओ, यह सब कैसे हुआ लुम्बा? किसने की सरदार की हत्या? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यह तो मुझे नहीं मालूम पुजारी जी, लेकिन सरदार की हत्या टीकमगढ़ के शाही खंजर से हुई है, और देखो लाश के पास राजकुमार की शाही माला भी पड़ी है। जरूर यह राजा सोन सिंह के इशारे पर हुआ है। हम टीकमगढ़ के राजमहल की चेट बजा देंगे, हम उसके पूरे खानदान को नाश कर देंगे, हम राजा के बच्चे का खून पी जाएंगे, हम महल में आग लगा देंगे। साथियों, हम बेशक ऐसा ही करेंगे, लेकिन कल सरदार का अंतिम संस्कार करने के बाद। दूसरे दिन सरदार लुम्बा का अंतिम संस्कार करने के बाद 16 कबीले के अधिकांश युवक लुम्बा के नेतृत्व में राजमहल की ओर बढ़ चले। राजा सोन सिंह मुर्दाबाद, हमारे सरदार के तैयारी राजकुमार को फांसी दो। जब कबीले वाले राजमहल पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा। राजा सोन सिंह मुर्दाबाद। उत्तेजित कबीले वालों ने रोकने वाले पहरेदारों को मार डाला। आह उफ आई, ठहरो, यह सब क्या हो रहा है? वेरा सरदार के खूनी का बाप, मारो, आग लगा दो महल को। तभी वहां सेना पहुंच गई। सैनिकों विद्रोही को कुचल डालो। सैनिकों और 16 कबीले के लोगों में भयंकर जंग छिड़ गई। इच आई, शीघ्र टीकमगढ़ की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर कबीले वाले ज्यादा देर ठहर न सके। कुछ मारे गए, बाकी जान बचाकर भागे। भागो, मेरी योजना लगभग कामयाब हो चुकी है, अतः भाग निकलने में ही भलाई है। उनके भागते राजा ने मंत्रीगण और उच्च अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग बैठक बुलाई। महामंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? पहले राजकुमार पर कातिलाना हमला, फिर हमारे नाम पर कबीले वालों पर जुल्म, और अब मेरे मित्र की हत्या, और उसका इल्जाम भी हम पर लगाया जा रहा है। महाराज, मुझे तो लगता है कबीले के लोग पागल हो गए हैं जो इस तरह की अच्छी हरकतों पर उतर आए हैं। कबीले वाले पागल हो गए या आप? सवाल यह है कि आखिर यह सब कैसे और क्यों हो रहा है? जी महाराज, मैं ही कैसे बकरी की तरह मिमिया रहे हैं बापू। राज जासूस, तुम कह रहे थे कि यह सब हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र है, क्या बता सकते हो कि यह कैसा षड्यंत्र है? महाराज, मैं अभी तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ठीक 2 दिन के अंदर अंदर मैं षड्यंत्रकारी व उसके उद्देश्य दोनों का पता लगाकर सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। इसी के साथ वह गुप्त बैठक समाप्त हो गई। उसी दिन अंधेरा होने से कुछ देर पहले कुरपान 16 कबीले से कुछ दूर एक पेड़ पर बैठा सोच रहा था, कहीं कबीले के सरदार की हत्या लुम्बा ने तो नहीं करवाई? यही सरदार को मारकर या मरवाकर वही तो सरदार की गद्दी हथियाने की नहीं सोच रहा। यह सब षड्यंत्र उसने कहीं इसलिए तो नहीं रचा कि सरदार की हत्या का संदेह कबीले वालों पर वाले उस पर न करे। खैर जो भी हो, मैं 1-2 दिन लुम्बा पर भी नजर रखूंगा, क्योंकि सरदार की मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसी को हो सकता है। फिर अंधेरा होते ही कुरपंड जैसे ही पेड़ से नीचे उतरा, उसे बस्ती की तरफ से आते 3-4 घुड़सवारों की आटे मिली, अतः वह जल्दी से उस पेड़ की ओट में हो गया। टप टप टप, शीघ्र ही उसे तारों के मध्यम प्रकाश में कबीले के 3 युवकों के साथ लुम्बा दिखाई दिया। अरे लुम्बा, यही समय कहाँ जा रहा होगा? मुझे इसका पीछा करना चाहिए, लेकिन कैसे, यह तो घोड़ों पर सवार है और मैं पैदल।
कोई और चारा ने देख कुर्बान उनके पीछे पैदल ही दौड़ पड़ा। आज मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा लुम्बा। थोड़ी देर बाद, मुबारक हो लुम्बा, अब तो तुम अपने कबीले के सरदार होने वाले हो। आपको भी मुबारक हो हुजूर, आखिर आपके प्रयत्नों से ही तो मैं सरदार बनने वाला हूँ। सरदार लुम्बा, मुझे मुबारकबाद उस दिन देना जब मैं टीकमगढ़ का महाराज बन जाऊंगा। अब वह दिन दूर नहीं हुजूर जब आप टीकमगढ़ की राजगद्दी पर बैठेंगे। आखिर यह नकाबपोश कौन हो सकता है जो टीकमगढ़ की राजगद्दी पर बैठने के सपने देख रहा है, और इसकी मूल योजना क्या है? लेकिन इससे पहले की कुरकमंड उनकी मुख्य योजना सुनी या समझ पाता, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना वरना श्री गोद कर रख दिया जाएगा। अरे तुम लोग कहाँ से अटक के यमदूत हो? हम कहाँ से अटक के, अभी बता दिया जाएगा। पहले तुम चुपचाप हमारे साथ अंदर चलो। चलो यमदूतो, जहां तक आवाज चलेगी मैं भी चलूंगा। फिर जैसे कबीले वाले कुर्कबाण को लेकर गुफा में पहुंचे, नगापोस उसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। तो तुम? हाँ प्यारे काली घटा, हैं राज जासूस, साथियों से फौरन खत्म कर दो। ठहरो, कोई इसे नहीं मारेगा। लेकिन हुजूर, आप इसे जानते नहीं, ये आगे चलकर आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हम सब जानते हैं सरदार लुम्बा, और हम इसके बारे में जल्दी कोई कठोर फैसला भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इसके हाथ पांव बांध दो, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता यह यहीं हमारा कैदी बनकर रहेगा। कबीले के लोगों ने आनन फानन में कुर्बान के हाथ पैर बांध दिए। अब हमें अपनी योजना का को थोड़ा सा बदलना होगा, यानी अब हम राजकुमार की जगह पहले राजा सोहन सिंह का कत्ल करेंगे, वह भी जल्द से जल्द। नकाबपोश, मैं तुम्हारे गंदे इरादे को अपने जीते जी कभी पूरा नहीं होने दूंगा। हा, मुझे अब राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, डाल दो इसे किसी कोठरी में। गुफा की एक कोठरी में भी बस कुर्कबांड को बंद कर दिया गया। क्या सचमुच नकाबपोश अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा और मैं बेवसा यहीं पड़ा रहूंगा? नहीं, मैं सारगिज नहीं होने दूंगा। मैं महाराज की हत्या होने से पहले ही उस नकाबपोश को बेनकाब कर दूंगा। अगले पल कुर्कमांड अपने आप को उन बंधनों से मुक्त कराने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अपने इस प्रयास में उसे सफलता मिलते मिलते सुबह हो गई। आजाद तो हो गया, अब किसी तरह यहां से निकल भागना है। अगले पल, अरे वे भाग रहा, धड़ाक, पकड़ो उसे। लेकिन कुर्कमांड ने उन्हें कुछ करने का अवसर नहीं दिया। धड़ाक, हाय, हिच, झुम, उफ। जल्दी उन दोनों को बेहोश कर कुर्कबांड गुफा से बाहर निकलकर महल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन कुर्कबांड जब महल में पहुंचा, बू आए मेरे स्वामी, बू। बबांड भैया, देखो उन दुष्ट कबीले वालों ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। बू, महाराज की हत्या कबीले वालों ने ही की है, यह तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि तो पिताजी की हत्या करके भागते कबीले के एक युवक को फूफाजी ने स्वयं मार गिराया है। सबक सबक, मोटो की बात सुनते कुर्कबांड बुरी तरह चौंक उठा और किसी सोच में डूब गया। अगले पल किसी विचार दिमाग में आते ही कुर्बान की आंखें भयानक अंदाज में चमकने लगी। मैं तुम्हें पहचान गया हूं नकाबपोश, षड्यंत्रकारी, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और उसी रात, बापू आज तो तुम बहुत प्रसन्न होंगे, आज तो तुम्हारे रास्ते रास्ते का काटा भी दूर हो गया। काटा? कौन सा काटा? मैं समझा नहीं बेटे। इतने भोले मत बनो बापू, मैं तुम्हें उसी समय पहचान गया था जब तुम नकाबपोश के रूप में मुझे देखकर चौंके थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिस राजगद्दी के लालच में तुमने महाराज की हत्या की है, मैं उस पर तुम्हें हरगिज नहीं बैठने दूंगा। क्या मेरे भाई राजा सोन सिंह हत्या इन्होंने की है? हाँ माँ, यही है वह कमीना राजद्रोही जिसने गद्दी के लालच में ऐसा गिनौना गिनौना पाप किया है। बेटे बॉन्ड, जरा धीमे बोल, यह सब मैंने तेरे लिए ही तो किया है। मेरे बाद खामोश, नीच, धमाका सिंह, मत कह अपनी गंदी जुबान से मुझे अपना बेटा। तू मेरा बाप हरगिज नहीं हो सकता। खर खर, यह सपने में सुबह 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 तू क्या नाप सनाप बकरा है? जल्दी से उठो और नहा धोकर तैयार हो जा, आज तुझे मेरे साथ ऑफिस चलना है। राजद्रोही धमाका सिंह, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी हत्या करके तेरी लाश को कुत्तों से निचवाऊंगा। क्या क्या काम, मेरी हत्या करके मेरी लाश को कुत्तों से निचवाएगा? हाँ धमाका सिंह, मैं तेरी लाश को कुत्तों से ही नहीं बल्कि चील कवों से भी निचवाऊंगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत?
से उपनते दमा सिंह ने हाथ में थमा बैत पागलों की तरह उस पर बरसाना शुरू कर दिया। ले नालायक, नुचाओ मेरी लाश को चिलकबों और कुत्तों से। नालायक, अभी तक तो तू सिर्फ सपने में मैं मुझे धमकी देता रहता है, अब मुझे मारने भी लगा। तड़ाक, आए मेरी माँ। तभी कुरकुमार की माँ वहां आ पहुंची। हाय माँ, मैं मरा। तड़ाक, अजय अजय बस भी कीजिए, कैच बेचारे की को आप जान से मार डालेंगे। हाँ, अगर इसका यही हाल रहा तो किसी दिन मैं सचमुच इसे मार डालूंगा। हूँ बड़े आए मेरे बेटे को मारने वाले, बेचारे बांड भैया। धमाका सिंह कुछ पलों तक तो खा जाने वाली नजरों से कुर्क बांड को घूरता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सत्यानाश होने बुरे सपनों का, हे ईश्वर, आखिर कब मुझे इन सपनों से छुटकारा मिलेगा। समाप्त। तो दोस्तों, एक ओम सीधे समाप्त होती है, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा गला बैठ गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई आखिर में पढ़ने में, और हंसी भी आ रही थी। ओम इसमें सही अच्छी कॉमिक्स थी है, तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।